हाँ तो गाइस, तो स्वागत है एजुकेशनल न्यूज़ के विदाउट सबसे खतरनाक वाले न्यूज़ में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि बिहार डीएलएड का एडमिशन सिलेबस और उसका जो एग्ज़ाम होने वाला हुआ एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होगा या मार्क्स बेसिस पे होगा। तो चलिए, इससे जुड़ी हुई जानकारी, आज तमाम जानकारी जो भी आप लोग कमेंट किए थे उसका जवाब देने वाला है, यानी कि आज क्या होने वाला है, फैक्ट क्यूएनओ चलने वाला, यानी कि फैक्ट पे बात करेंगे बिहार डीएलएड एग्जामिनेशन के तहत। तो आप लोग देख सकते हैं थंबनेल, यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियली यहाँ पे जारी किया गया था, लेकिन कुछ प्रोटेस्ट के वजह से बिहार डीएलएड का सत्र 22-24 का नोटिफिकेशन रोक दिया गया, कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, आज बिहार डीएलएड के सिलेबस से जुड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इस बार बिहार डीएलएड में एडमिशन किसके बेसिस पे होने वाला है, तो एंट्रेंस के बेसिस पे होने वाला है। तो चलिए हम लोग सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं, चलिए लेट्स बिगन। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इस बार टोटल सीट आने वाली है, कितनी सीटें आने वाली है, तो 28,850 सीटें आने वाली है। और क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो क्वालिफ़िकेशन क्या है, इंटरमीडिएट 10+2, ठीक है। तो आप लोग अगर अमाउंट की बात कर ले तो अमाउंट कितने रुपए लगने वाले हैं इस बार, तो 960 रुपये से 760 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है, विथ GST, ठीक है ना गाइस। तो GST तो पता ही होगा कैसे होगा। तो आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट है, अभी देख लीजिए टोटल का टोटल क्या है, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नोटिफाइड सून, A to Z अभी क्या है, नोटिफाइड सून है, क्योंकि 8 अप्रैल को आने वाली थी क्या नोटिफिकेशन, सेशन किसका, तो 22 और 24 का, लेकिन कुछ ये टेक्निकल इशू के वजह से नोटिस नहीं हुआ। टोटल के टोटल क्या है, पूरी नोटिफाइड है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग बिहार डीएलएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। तो मैं इसमें पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग बिना स्किप के समझिएगा, तभी आप लोग का बिहार डीएलएड में क्या होगा, सीट मिल पाएगा, क्योंकि इस बार किस बेसिस पर होने वाला एडमिशन, तो एंट्रेंस के बेसिस पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, टू टेक एडमिशन इन बिहार डीएलएड द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट इज नेसेसरी टू पास 12th क्लास विद द लिस्ट परसेंटेज कितना, 50% मार्क्स फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, 45% मार्क्स ऑफ SC ST कैंडिडेट, ठीक है। SC ST स्टूडेंट वालों का क्या होता है, छूट होता है, आप लोग किसी भी बोर्ड से रहिएगा इसमें आप लोग एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इस बार एंट्रांस के बेसिस पे एकदम 100% श्योर है क्या होगा, एडमिशन होने वाला है सेशन 22-24 का, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा नेशनलिटी क्या होना चाहिए, इंडियन होने चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 17 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम एज, ठीक है। अब यहाँ पे फी वगैरह तो आप लोग जान रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। पहला क्या होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट मार्कशीट होना चाहिए, पर्सनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और दिव्यांग सर्टिफिकेट जो हैंडीकैप से रिलेटेड होंगे। उसके बाद पूरा स्कैन, एक इमेज फोटोग्राफ और स्कैन इमेज सिग्नेचर, कितना KB का होना चाहिए, 20 KB होना चाहिए। A to Z इसमें बताने वाला है कितना कितना KB का होगा, क्योंकि इसका जल्द ही अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने वाला है, ठीक है। तो अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, उसके बाद फॉर्म सबमिशन, उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट अप्लीकेशन। अब बात कर लेते हैं इमेज स्पेसिफिकेशन, या इमेज स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि इमेज का साइज़ कितना से कितना KB का होना चाहिए, पिक्सल कितना KB का होना चाहिए, A to Z बताने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बिहार डीएलएड का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तब बात कर लेते हैं इमेज का साइज़ और डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन तो जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पर फोटोग्राफी का KB कितना है, 100 से कितना होना चाहिए, 150 KB का होना चाहिए, यानी किलोबाइट का होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की, डायमेंशन यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर से कितना होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। अब वही सिग्नेचर की बात कर ले तो सिग्नेचर का साइज़ कितना होना चाहिए, 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। अब डायमेंशन वही बात, डायमेंशन की बात कर ले तो कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड जब फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद तुरंत ही आप लोगों का क्या हो जाएगा,
आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार बिहार डीएलएड बहुत लेट कर चुकी है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर, बहुत सा एरिया में आप लोग एग्ज़ाम सेंटर जाने वाला, स्क्रॉल डाउन कर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्ज़ाम जो है 22 मोड ऑफलाइन एंड ओएमआर सीट पे होगी, ठीक है गाइज। आप लोग का जो ओएमआर सीट कैसे होगा, आप लोगों को ऑफलाइन होगा और ओएमआर सीट पे होगा, यानी कि जो कलर करने के लिए रहता है ना, इस प्रकार से वैसे रहेगा। आप टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे तो एमसीक्यू होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 150 होंगे। आप टोटल टाइम्स ऑफ मिनट्स कितने होंगे तो 150 मिनट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने का होगा, 450 मार्क्स का होगा इस बार, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ले कि वन राइट आंसर पर कितने मार्क्स मिलेंगे, 13 मार्क्स। अगर निगेटिव मार्किंग रहेगा तो कितना, 1/3 होगा, यानी कि 3 को गलती करेंगे तो आपका एक नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि सिलेबस पूरी बात, क्योंकि जल्द ही एकदम बिहार डीएलएड एंट्रांस का निकलने वाला फॉर्म। तो सिलेबस की बात कर ले तो जनरल हिंदी उर्दू से कितने मार्क्स रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, यानी कि 90 मार्क्स का। मैथमेटिक्स की बात कर ले तो 30 या 90, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है। जनरल साइंस 20, 60 नंबर का। सोशल साइंस 20, कितना 60 होगा। आगे देख लेते हैं जनरल इंग्लिश 25 नंबर की, यानी कि 75 रहेगा। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 25, कितना, 75 मार्क्स का होगा। अब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पूछ ले तो 150 नंबर का पूछता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 450 नंबर का एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है आप लोगों का, ठीक है गाइज। तो आई होप आप लोग के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि यह चैनल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जैसे ही आप लोग का डीएलएड का नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मैं बता दूंगा, क्योंकि डीएलएड इस बार एंट्रांस के बेसिस पर होने वाला है, ठीक है गाइज। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड पूरी जानकारी दे दी गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।